हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं महिपाल सिंह, आप देख रहे हैं एमपी सिंह ब्लॉग। आप छोड़ करके मत जाइएगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाला हूं मैं आज। वैसे तो मैं ब्लॉगिंग करता हूं, लेकिन मेरा ब्लॉगिंग करने का मेन मकसद यही होता है कि मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन देता रहूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा 25 से 35 के बीच के हैं, यानी उनका एज जो है 25 से 35 के बीच है ना। इसके लिए मैं चाहता हूं कि अब इस एज में लोगों को पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, और वैसे ही कुछ कंडीशन में मैं भी गुजर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं जानते हैं कि अभी नौकरी छोड़ करके धनबाद से गांव आ गया हूं, और काफी दिन हो भी गया है ब्लॉगिंग करते हुए, और ब्लॉगिंग कई दिन से मैं नहीं किया और आप लोगों को चैनल पे नहीं दे पा रहा था। सोचा आज कुछ ना कुछ शूट करके डाल देता हूं। तो मैं इस समय इतना ज्यादा परेशान कि आप लोगों को बता नहीं सकता। अभी मैं एक न्यू चाय का दुकान ओपनिंग करने का सोच रहा हूँ, उसके लिए फंडिंग व्यवस्था कर रहा हूँ। अभी जानते हैं कि मैं एक दिन सिंगरौली गया था मछली का बच्चा लेने के लिए, उसे मैं हावड़ा से मंगाया हुआ था, जो कि वो मछली के बच्चे जो हैं सब नुकसान हो गए। एक दिन चला गया कहीं शादी में, कृष्णा भैया के भाई के, सुनील के। तो जब मैं लौटा तो देख रहा था कि मतलब पूरी मछलियाँ जो है मर चुकी थी, उसमें सेंटेक्स में रखा हुआ था। ये देखिए, मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि पूरी बच्चे जो है नुकसान हो गए हैं। लगभग 20-25 हज़ार का नुकसान मेरा एक साथ में हो गया, और मैं उसी का कुछ मतलब आगे कुछ दुकान वगैरह डालने का सोच रहा था, चाय वगैरह का छोटा सा शॉप। तो पैसा मेरा नुकसान हो जाने की वजह से मैं आगे कुछ नहीं कर पाया, और आगे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। कहीं ना कहीं से मैं फंडिंग इकट्ठा कर रहा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ। तब तक अभी मेरी बेटू जो कि कॉलेज में, यानी 20 से 30 के बीच उसकी एग्जाम हो जाएगी, इसके बाद साथ में हम मिलने वाले हैं। इसके बाद दोनों बैठ करके डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को आगे करना क्या चाहिए, क्योंकि मुझे अब नौकरी नहीं करनी है और किसी न किसी तरीके से मुझे आगे बढ़ना है और लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो इसके लिए हम दोनों मिल करके इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा आइडिया है चाय का एक छोटा सा शॉप डालने का। आप लोगों को अगर आइडिया अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में बता देना कि आप लोगों को ये कैसा लगा, और आगे आने वाले सारी चीज़ें अपडेट मिलते रहेंगे, कहाँ से मैंने फंडिंग इकट्ठा किया, कहाँ से पैसे वगैरह मतलब मैनेज किया, और किस तरह से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर नहीं भी बढ़ पा रहे हैं, उसमें फेल होते हैं तो फेल एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट करेंगे उसे, लेकिन फिर भी किस कंडीशन में हम आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अभी मेरे पास सिर्फ 20 रुपये का एक नोट अभी जेब में मेरा पड़ा हुआ है, तो मैं अपने आप को पा रहा हूँ कि मैं जीरो में खड़ा हूँ अभी, जहाँ कि मेरे पास आसपास से ना तो कहीं से पैसे आ रहे हैं, ना तो कहीं से इन्वेस्ट किया है मैंने आगे, और जो नौकरी करता था वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जाती थी, जैसे बेटू की पढ़ाई लिखाई और अपने कुछ खर्च, कुछ घर के, तो मैंने पहले से कुछ इन्वेस्ट करके नहीं रखा हुआ था। और अभी मैं कहीं से लोन लेकर के, उधार लेकर के, और चाय का शॉप डालने वाला हूँ, और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो बस यही जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना था, मछली का मतलब बच्चे शेयर करने के लिए यहाँ सोचा था, मछली का बच्चे डिलीवर करने के लिए, तो वो चीज़ें पहली बार ही मेरा नुकसान हो गया, इसके लिए उसे अभी कुछ दिन के लिए क्विक करते हैं। हालांकि सपना वो भी काफ़ी दिन का है मेरा, तो उसे जब कुछ मेरे पास बैलेंस हो जाएंगे कष्ट, इसके बाद उसको शुरुआत करेंगे। अभी मतलब मेरा उसका आइडिया अभी उसको पीछे छोड़ते हैं, और अभी नए सोच के रखा हूँ उसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए हमारे इस चैनल पे ब्लॉग में, और आपको साथ साथ में ब्लॉग करने के साथ साथ में हम आपको मोटिवेशन भी करते रहते हैं, और मैं खुद को अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव कर रहा हूँ और कैसे हम दोनों आगे जाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कि मतलब एक बंदा जब इतना गरीब फैमिली से होकर के, जो कि आप मेरे पीछे मेरा घर देख रहे हैं, इस क्वालिटी में मतलब मैं इस परिस्थिति में रह करके, इस एनवायरनमेंट में, और मैं अपने आप को मतलब इस लाइन पे डालने के बारे में सोच रहा हूँ, तो आप लोगों को हो सकता है यार आप लोगों को भी ये चीज़ कभी लग जाए आगे आने वाले समय में। तो अगर मैं यही चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो मैं ये चीज़ आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ आप बने रहें कंटिन्यूअसली, आप लोगों को सारा अपडेट मिलते रहेंगे। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। बहुत दिन से आप लोगों को, यानी इतना ज़्यादा लैप्स करने के लिए, इतना ज़्यादा लेट ब्लॉग डालने के लिए सॉरी यार, नहीं टाइम मिल पा रहा था। मैं खुद ही इतना ज़्यादा परेशान था, इतना ज़्यादा बिजी था, जिस वजह से नहीं दे रहा था, लेकिन अब कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। कोशिश करूँगा कि डेली ब्लॉग करूँ। चलिए तो फिर से मिलते हैं एक अगले मोटिवेशनल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें, और बने रहें कंटिन्यूअस। जय हिंद, जय भारत।